लास्ट ईयर अपनी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जॉब से रिजाइन करके जब मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा था तो मेरे मन में बहुत ज्यादा डर था कि ये मैं सही डिसीजन ले भी रहा हूँ या नहीं। इस पिछले एक साल में भी ये वाली चीज रह के कहीं ना कहीं हल्की बहुत आती थी मन में कि यार वहां पे लाइफ कैसी होती, वहां पे मैं कहां तक पहुंच सकता था, यहां पे ऐसी है तो। बट इस एक साल ने मेरे को ये अपने डिसीजन पे कहीं ना कहीं पूरा पक्का विश्वास करा दिया कि भाई हाँ तूने वो डिसीजन बिल्कुल ठीक लिया। अभी रिसेंटली जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में लैंड ली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम अपना खुद का घर उस पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, जमीन हमने यहाँ पे ले ली है, वो लेने के बाद मेरे मन में ये ख्याल आया था कि यार इंडिया में तो उस जॉब में पता नहीं कितने साल लग जाते अपनी खुद की जगह लेने में और उस पर अपना खुद का घर बनाने में। और ऐसी ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ आके पाई, यहाँ आके एक्सपीरियंस करी, जो अगर मैं इंडिया में होता तो नहीं कर पाता। क्या पता इंडिया में दिल्ली पुलिस SI की जॉब में कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस करता जो मैं यहाँ आके नहीं कर पाया। बट स्टिल जैसा मैंने आपको कहा था कि अपने इस डिसीजन पे मुझे इतना सा भी रिग्रेट आज भी नहीं है। बाकी एक वीडियो लाऊंगा मैं जिसमें प्रॉपर कंपेयर करूंगा कि अगर मैं इंडिया में होता SI की जॉब में तो एक साल में वहां कहां तक पहुंच सकता था और यहां आया हूं तो एक साल में यहां क्या क्या मैंने अचीव करा है। वो वीडियो जल्दी ही मैं यूट्यूब पे लाऊंगा, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद और हर हर महादेव।